स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे क्या हुआ, डांस क्यों कर रही हो? ओ जी सब कुछ ठीक हो गया, मेहुल और गट्टू भाई फिर से बेस्ट फ्रेंड हो गए जी। हाँ लेकिन मैं ये भूल गया कि कभी मैं भी गट्टू भाई का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। बढ़िया, हम मरे कितनी आसानी से, सहूलियत के हिसाब से अपने रिश्ते बदल देते ना। बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। एक गुड़िया, तुम अपने गांव से वो गिल्ली डंडा लाई थी ना, वो निकालो। तो तुम गिल्ली डंडा खेलोगे? हाँ खेलूंगा, आज से रोज, चाहे आधा घंटा तो आधा घंटा, लेकिन मैं गट्टू भाई के साथ खेलूंगा, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनसे छोटे भी उनसे आगे निकल। चंगा है जी चंगा। गट्टू काका जिंदाबाद, गट्टू काका जिंदाबाद, एक दो तीन चार, अबे गट्टू काका जिंदाबाद, इस दौर में गट्टू काका इज द बेस्ट। और आगे क्या था? गट्टू काका सारे नारे खत्म हो गए। अरे वो वाला बाकी है ना जो तूने प्रवीण भाई के लिए बोला था उस दिन। बोली थी, अरे बोली थी बाबा, वो गली गली में शोर है, मेरे पापा चोर है। कैताली नालायक तू ऐसा बोली थी? लो अब सच बोलो तो भी प्रॉब्लम। लीला भाभी आज इस चिबावली को खाना मत देना। पापा इसने मजाक में कहा था। जवान जय किसान। अभी नारे वारे बंद करो और जल्दी से बताओ कि मैं खाना क्या बनाऊं। लीला बाबू आज आप गट्टू काका की पसंद का कुछ बनाइए। हाँ पापा जी, शुभ्रा पेटी सैंडविच, पिज्जा, रसगुल्ला, पानी पूरी, पास्ता, तवा पुलाव, थेपला बोल वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। लीला बाबू गट्टू को देखिए, सिर्फ नाम सुन के उसका पेट भर गया, इतना खुश लग रही है। होंगे ना, छोटी सी छोटी बात में भी खुशी कैसे हासिल करनी और सबको कैसे बांटनी, सिर्फ गट्टू काका को आता। गट्टू काका सचमुच यू आर द बेस्ट। इसको क्या हुआ, ये बार बार गले क्यों मिल रहा है? ये रो रहा है? हाँ ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसके पीछे पीछे जाते थे तो ये आपकी शिकायत करता था, झगड़ा करता था, याद आया? लिच्ची मेरी कॉपी करती है। हाँ याद आया। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा गट्टू काका, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या भी करूँ ना तो गट्टू काका जैसे काका कहीं नहीं मिलेगा। तो किधर मिलता हूँ मैं? अरे तू कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही गट्टू है और वो हमारे पास है। बाकी मैंने भी एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या की थी और मांगा था कि मुझे अच्छे बच्चे देना, लेकिन ये तीन शैतान मिले मुझे। एक मिनट, एक मिनट, शांति रखो। ऐसे एक पांव पे खड़े रहकर कुछ भी मांगेंगे तो मिलता है? हाँ गट्टू काका, और लीला बाबू आज आप बहुत कुछ बनाना कि मैं गट्टू काका को अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ हाँ अपने हाथ से खिलाना, लेकिन ये सब बनाने में मुझे टाइम लगने वाला है। तब तक तुम लोग क्या करोगे? तब तक हम सब खेलेंगे गट्टू भाई के साथ। अभी ये क्यों मिल रहा है गले? क्यों? ऐसे ही टाइम पास। चल गट्टू भाई गिल्ली डंडा खेलते हैं। नहीं नहीं गिल्ली डंडा नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग खेल पाएंगे ना प्लीज। ओके चलो बच्चों क्रिकेट। ठीक है गुड़िया भाभी मैं रखती हूँ। मैं कृष्णा विला जा रही हूँ। तुम इस तरह नाराज हो कि? नाराज नहीं हूँ मैं, थोड़ी अपसेट हूँ, पर अपनी फैमिली से मिलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, रात रुकूंगी नहीं, वापस आ जाऊंगी और कल सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक का सारा इंतजाम हो जाएगा। बाहर से नहीं मंगवाऊंगी, घर का खाना। पर अभी मुझे उनसे मिलने जाना है।
मैं आपकी गाड़ी और ड्राइवर भी नहीं ले जा रही हूँ, रिक्शा से चली जाऊंगी। आलसी आलसी तू कितने आराम से बॉल पकड़ता है, तुझसे तो मीनाक्षी फास्ट है। ए, इसे निकाल दो अपनी टीम में से। एक मिनट, तब से पहले पापा को निकालिए, कब से बॉम्बे की तरफ बचते ही जा रहे। चुप रहे तू। मेहुल मेहुल ये है, मैं छोटा है ना मुझसे, इसलिए मुझको आउट ही नहीं कर पा रहा है ये। हेमल का पचका। पचका तो होगा ही ना गट्टू भाई, क्रिकेट में मैं तुझसे कमजोर जो हूँ। अरे तू तो हर बात में कमजोर है, काम करने में कमजोर, पैसे देने में कमजोर, चलने में कमजोर, दौड़ने में भी कमजोर है ना बच्चों? वही तो, गट्टू काका से तो हर बात में कमजोर, कपड़े पहनने में गट्टू काका से कमजोर, खेलने में भी कमजोर। बस बस इतना भी कमजोर नहीं हूँ, तुम तो बस शुरू ही हो गए। ओ चुप रहो जी। गट्टू भाई कोई कुछ भी बोल ले, मेरा पति 7 जन्म ही ले लेना तो भी आपको क्रिकेट में नहीं हरा सकता। बड़ी किस्मत वाली होगी मेरी जेठानी, इसका रिश्ता आपसे जुड़ेगा। It means के अप्सरा। गट्टू काका, रानी मुखर्जी का क्या हुआ? नहीं नहीं वो अभी कुछ नहीं, वो शिल्पा भाभी है ना इसकी मम्मी, उसने ऐसा बोला कि रानी मुखर्जी थोड़ी बड़ी है ना मुझसे, इसलिए फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे लिए इस वर्क की अप्सरा बेस्ट है। तो अभी अप्सरा चलेगा? चलेगा नहीं जी, दौड़ेगा। ओ जी, अप्सरा आपको क्रिकेट खेलता देख आप पर बारी बारी जाएगी। चलो सब शरबत पी लो जी, चलो पुत्र। सबसे पहले मुझे दे दो वरना बच्चे लोग मुझे पीने ही नहीं देंगे। गट्टू भाई से 1000 बार भी हारे ना तो मेरे लिए तुमसे बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं होगा जी। अपने भाई का दिल रखने के लिए हारे ना तुम, जीते रहो। जीते रहो क्या, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अभी मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट। चलो तुम लोग, तुम लोग फटाफट पी लो ना यार, ऊपर है ना अप्सरा के आने का टाइम हो गया है। वो ऊपर से देखेगी ना कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो फिर वो मुझ पे वारी वारी नहीं जाएगी। चलो फिर से क्रिकेट, चलो फटाफट। उधर प्लीज, किसको बोलना, प्लीज 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 सर जी कर, प्लीज मेरी बैटिंग, मेरी बैटिंग। जीवन से ना 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 ला ली ला 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 वा 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 वा। हेलो मोटा भाई की डायरी कुएं में गिर गई तो भी मोटा भाई हंस रहे हैं। एक मिनट, लीला भाभी बोलती है कि ऐसा होता है ना तभी हमेशा भूचाल आता है, अभी आएगा भूचाल।
तो इतना खुश क्यों है? बात ही ऐसी है, वाह आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। तो बताना। वाह वो अरे बेबी मुझे आइए आइए बेबी बहन। बेबी इस वक्त ओ जी बेबी बहन ने मैंने बताया था कि वो यहाँ आ रही है लेकिन मैं बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं तू भूल गई पर तू इस वक्त कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ पा, मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना यहाँ एक चक्कर लगाती जाऊं। लीला भाभी बेबी रुक तो सही बेटा, तू अचानक इस तरह आई इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वहाँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ बात सब ठीक है। वो तो ताइमा को कल टिपिकल गुजराती खाना खाने का मन हुआ सो मैं ये बताने यहाँ आई। कल क्या बनाना है ये बताने तू यहाँ तक आई? फोन भी तो कर सकती थी। तो क्या मुझे यहाँ आना ही नहीं है? बेबी कुछ दिनों से देख रही हूँ तू शायद अपनी तमीज इंडोनेशिया भूल कर आई है। मेरे साथ इस तरह बात मत करना। तो क्या करूँ बा? देखी ना गुड़िया भाभी आते ही बा इंस्पेक्टर की तरह शुरू हो गई। बा मैं सच बता रही हूँ, ताइमा ने कहा कि कल गुजराती खाना बनाते। अब वो लोग गुजराती खाने में भी गरम मसाला छोले मसाला डालते हैं। तो मैंने कहा कि अगर टिपिकल देसी गुजराती खाना खाना है तो मेरे घर अच्छा बनता है तो मैं यहाँ से लेके आऊंगी। इतनी सी बात है और आप चले। गुड़िया भाभी हम खाते खाते डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बनाना है। आइए बाप तो आप रुक अरविंद मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेबी पूरा सच नहीं बोल रही है। पूरा सच क्या है ये तो पता लगाना ही होगा। रिमझिम प्लीज देखो रिमझिम तुम शांत हो जाओ। देखो रिमझिम तुम अपने पापा को समझाने की कोशिश करो। हाँ मैं खुद बात करने वाला हूँ पापा से लेकिन वो क्या है ना मम्मी ने मुझे रोक रखा है। तो मुझे एक दो दिन की मोहलत दे दो मैं खुद ही जाकर। अरे हेलो नहीं चाहिए मुझे क्रेडिट कार्ड। अरे होम लोन पर्सनल लोन कुछ नहीं चाहिए। बाद में फोन करता। वाह एक ही फोन कॉल में क्रेडिट कार्ड होम लोन दोनों। सेल्स कॉल जिससे आप वापस फोन करने वाले। क्या जगर भाई अच्छा बहाना तो ढूंढिए। ऐसा बहाना गट्टू काका भी नहीं मानेंगे। हम मैं भी नहीं माना। छुप छुप के किससे बात कर रहे थे? तू जाके अपना काम करना। वही तो कर रहा हूँ। चलो ठीक है थोड़ा और करता हूँ। गट्टू काका आप अदा के पास जाइए। अदा मतलब मोटा भाई ना इसके पप्पा। भाई भाई के पास जाकर कीजिए फिर पूछेंगे ऐसा क्यों किया तो बता देना कि जिगर भाई फोन पे किसी के साथ खुसुर पुसुर कर रहे थे। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ ठीक है गट्टू काका अब जाइए पापा के पास और चार पांच बार हाँ हाँ करना। चार पांच बार? हाँ हाँ। और पूछे तो क्या ना कि जिगर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मेहुल मैं तो चाहता हूँ कि पापा को पता चले इस बात का। शी तो क्या फायदा ब्लैकमेल करने का। चलो और खेलते हैं। ऐसे ही टाइम पास हो गया। कहिए गोदावरी जी कैसे याद किया? जी जानकी जी वो बेबी आई थी तो। हाँ हाँ मैंने ही भेजा है उसे वहाँ। वो बिरजू दिल्ली गया हुआ है घर में अकेली बोर हो रही थी। अब इतना काम भी नहीं है कि सारा दिन काम में ही मन लगा रहे और फिर टीवी भी कितना देखे तो मैंने उसे कहा कि जाओ कृष्णा विला हुआ थोड़ा मन ही बहल जाएगा। जानकी जी वो किस तरह का खाना यानी गुजराती खाने में
क्या क्या चाहिए? खान हाँ हाँ वो बेबी ने जो फरमाइश की वही ना जी। भाई आप जो भी प्यार से खिलाना चाहती हैं भेज दीजिए। बेबी तो आपकी तारीफ करते नहीं थकती, कहती है मेरी बा और भाभियां जो गुजराती खाना बनाती हैं उसमें उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। तो मैंने कहा भाई अब तो खाना ही पड़ेगा। तो सोचा कि वो वहां जाएगी उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी तो पता चले गोदावरी जी के घर के खाने में ऐसी क्या खास बात है। जी ओ जी गुजराती खाना ही बनाना है ना। सरसों के साग वाली दाल ढोकली बनाते हैं, बिल्कुल लेट होगी जी। क्या सरसों के साग वाली दाल ढोकली? हाँ गुड़िया गुजराती और पंजाबी खाना मिक्स करेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्रेक है क्रेक। मैं बताती हूँ, मैं पूरन पूरी उंधिया और डक्का वाली कढ़ी बनाऊंगी। अरे टिपिकल गुजराती खाने में तो हजारों चीजें बन सकती हैं, जैसे कि काजू करेला की सब्जी, सेव टमाटर का शाक और भाकरी, या फिर तूरिया और पात्रा। यस अब तो जरूर बोलती बंद हो जाएगी उनकी। किसकी बोलती बंद हो जाएगी बेबी बे? टाइमर की? वो तो शिल्पा भाभी आप समझी नहीं, हम खाते खाते बोलते नहीं और जब हम खाने की इतनी टोप टोप आइटम बना कर देंगे और ताई माँ खाएगी तो उनकी बोलती तो बंद होगी ही ना। देख अच्छा अच्छा अब मीनाक्षी मैं बेबी बेन को इसका असली मतलब पूछ सकती हूँ। बेबी बेन आपने ऐसा क्यों कहा कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी? वो ताइमा ने कहा कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई टिपिकल गुजराती खाना बना ही नहीं सकता, तो मैंने कहा कि मेरी भाभियां तो आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस पे भी बना सकती है। ओ जी और क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है भिजवा दो। सच कह रही हैं? भरोसा नहीं है तो खुद फोन कर लीजिए। ठीक है मैं फोन करके पूछती हूँ। नहीं क्यों, फोन क्यों करना है आपको? मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं मैं ताई जी को ही फोन करके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने जानकी जी से बात की। आपने तहमा से बात की? हाँ और मुझे पता चला कि तू सच बोल रही है। शिल्पा उन्होंने बेबी से कहा कि उन्हें गुजराती खाना खाने का मन हो रहा है इसलिए बेबी को यहाँ भेजा। देखा अब तो ताइमा ने भी सच कहा ना, हो गई तसल्ली? नहीं क्यों, अभी जब मैंने कहा कि मैं ताइमा को फोन करती हूँ और जब बा ने कहा कि वो ताइमा को फोन करके आ रही है तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया विवेन? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप परेशान हुई थी। मैं नहीं हुई थी कहा ना। बेबी ये कोई तरीका है बात करने का? तो मां मैं क्या करूं? बेबी बहन अब तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत तो हुआ है। हाँ मैं यहाँ आई यही सबसे बड़ी गलती की मैंने, मत बनाना खाना, मैं चली जाऊंगी। प्रवीण भाई हेमल भाई मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।